हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आइए मिलके इस नए वीडियो का आनंद लेते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। रामायण नाम का महाकाव्य जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वह हमारे गुरुदेव भगवान श्री वाल्मीकि ने आपके संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित करके लिखा है। उन्होंने ही इसे संगीतबद्ध भी किया है। अतः आज तक की कथा हम आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करके सुनाते जाएंगे। अगर मुझसे कहीं गलती हो जाए तो लाख उसकी करेक्शन कर दीजिएगा। अब हमारी प्रार्थना है कि आप दोनों आसन ग्रहण करें मांग रहे ना, मतलब और अपने गुरु की रची हुई कथा से कि हम लोग अपनी इस सभा के श्रोताओं को अनुग्रहित करें। जो ये करैक्टर है ना, लव का करैक्टर है, महाराज। रामायण नाम का महाकाव्य जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं, वह हमारे गुरुदेव भगवान श्री वाल्मीकि ने परम पूज्य देवर्षि नारद जी और परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से आपके संपूर्ण जीवन चरित्र पर आधारित करके लिखा है। उन्होंने ही इसे संगीतबद्ध भी किया है। महाराज, इस महाकाव्य में जो कुछ हो चुका है और आगे जो कुछ भी होने वाला है, वह आपका सारा जीवन वृत्तांत हमारे त्रिकालदर्शी गुरुदेव ने पहले से ही देखकर लिख दिया है। परंतु हमें तो आज तक की ही कथा का ज्ञान है, उनको सारा भविष्य की कथा मतलब सारा इलम तो उन्होंने हमें भी नहीं पढ़ाई, जानते हैं, लेकिन आज तक की जो होने वाला है ना, आज हम आपको प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी करके सुनाते जाएंगे। अब यदि आपकी और समस्त गुरुजनों की आज्ञा हो तो हम कथा सुनाना आरंभ कर दें। यदि गुरुदेव की आज्ञा हो। अवश्य हमारा आशीर्वाद है। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित ये कथा सुनने और सुनाने वाले दोनों के लिए कल्याणकारी हो। Thank you.
स्वर कोमल भावना रोचक प्रस्तुति ढंग एक एक कर वर्णन करें लव कुश राम प्रसंग गमन सीता हरण हनुमत मिलन लंका दहन रावण मरण अयोध्या पुनरागमन सविस्तार सब कथा सुनाई राजा राम भय तोड़ कर सबने हनाते मोह के
सुंदरागण जो एक राजा की पुत्री है, एक राजा की पुत्र वधु है और एक चक्रवर्ती राजा की पत्नी है, वही महारानी सीता वनवास के दुखों में अपने दिन कैसे काटती है, अपने कुल के गौरव और स्वाभिमान की रक्षा करते हुए किसी से सहायता मांगे बिना कैसे अपना काम वो स्वयं करती है, स्वयं वन से लकड़ी काटती है, स्वयं अपना धान कूटती है, स्वयं अपने छक्के पीसती है और अपनी संतान को स्वावलंबी बनने की शिक्षा कैसे देती है। अब उसके करुण झांकी देखिए। अवज्ञा हो गई हो तो उसके लिए हम महाराज से क्षमा मांगते हैं। मैं इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई जब लास्ट में वो बता रहे थे, यानी कि उनके बेटे जो करेक्टर प्ले कर रहे थे, यानी कि लव कुश जो है वो बता रहे थे स्पेशली कि किस तरह से कि उनकी माता सीता ने किस तरह से मुश्किलात का सामना किया, किस तरह से उन्होंने अपने हाथ से चक्की पीसी। इतना मतलब माता है वो पूरे मतलब पूरे कह सकते ना ये दुनिया की मतलब माता है, तो उसके बाद उन्होंने चक्की पीसी, उन्होंने कैसे लकड़ियां वो काटती थी। और यार मैं सुन के मैं खुद एज अ मुस्लिम मैं सुन के इतनी ज्यादा इमोशनल हो गई। मैं भी हूं। लोग थे
सबने इस चीज को फील किया, उनको महसूस हुआ कि यार मतलब कि ये स्टोरी इतनी हार्ट टचिंग थी कि जितनी भी लोग बैठे हुए थे महफिल में सारे ही रोना शुरू हो गए, इमोशनल, और नो डाउट बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग थी। इवन तो मुझे इतना फील हुआ तो फिर लोगों को और कितना फील हुआ होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग थी है ना, लेकिन ना मैं चाहता था कि ना हमें पहले ही ना पता चले जो वो छोड़ रहा है, लेकिन मुझे सही से ना इस बातों की हमें डिटेल तो मैं पता है एक वीडियो में इतनी ज्यादा हमें नहीं पता चल पाती, लेकिन काफी ज्यादा जो है ना हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। ऐसी मजेदार वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद।